डॉक्टर रेखा माथुर जी जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं, कृपया आप अपने इंस्टीट्यूट का आइडेंटिफिकेशन भी इसमें दें अपने प्रोफाइल नेम में। अनिल अनिल जी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल जुड़े क्या? सर अभी तो कोई नजर नहीं आया। सर सर मैं बर्लिया इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ गई हूँ, डॉक्टर रेखा मेहरा। स्वागत है मैडम आपका। डॉक्टर धीरेंद्र शर्मा, MLVTC भीलवाड़ा। स्वागत है शर्मा जी आपका। सर डॉक्टर मनविजय सिंह फ्रॉम लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलवर। वेलकम। टाइम हो गया बंसल साहब, शुरू करें। अरे सर तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य और प्रधानाचार्य गण और निदेशालय के मेरे सभी अधिकारी गण, सबसे पहले तो मैं पठान साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट करो फिर बोलिए। पठान साहब आप म्यूट हैं। पठान साहब की आवाज आ रही है? क्या बोला? आवाज आ रही है पठान साहब की? हमें सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको म्यूट करना है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, होस्ट और कोस्ट इसको डिसाइड करेगा। अगर आपसे रिक्वेस्ट की जाए या कोई हेल्प मांगी जाए तभी आपको बोलना है। आवाज एकदम क्लियर है, प्लीज गो अहेड सर। पठान सर आपने अब अपने आप को म्यूट कर लिया है, काइंडली अनम्यूट कीजिए। पहले आपकी आवाज अच्छे से आ रही थी। पठान जी अपने प्रशांत जी पठान साहब को अलर्ट भेजो। अच्छा हो गया, ऑन हो गया, अलर्ट भेज दिया करो आप। आ गया क्या सर? आवाज आ रही है? हो गया सर, हो गया, माइक ऑन हो गया। आवाज आ रही है क्या सर सभी को? यस सर, प्लीज गो अहेड। ओके थैंक यू। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आज की मीटिंग में शामिल सभी प्राचार्य गण, इंजीनियरिंग कॉलेज सभी प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निदेशालय के अधिकारी गण, सबसे पहले तो मैं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक विंग की तरफ में श्री अनिल अग्रवाल जी हमारे मित्र ने आज ही निदेशक पद का डीपीसी से चयनित होने के बाद कार्यभार ग्रहण किया है, इसके लिए मैं इनको तकनीकी शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। इस अवसर पर मैं इतना थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ और बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 से लेके 2023 तक इस कार्यकाल में पूर्व निदेशक श्री दरिया सिंह यादव जी, श्री पुरुषोत्तम सांगला जी, श्री पीसी मकवाना जी के साथ साथ श्री आलोक बंसल जी ने इस विभाग के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, विभाग की योजनाओं को सक्रिय करने में। तो मैं इन सभी पूर्व निदेशक महोदयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और गहन रुचि से हमने और हमारे पूर्व शासन सचिव श्रीमती सुचि शर्मा जी, श्री एनएल मीणा साहब और वर्तमान प्रमुख शासन सचिव हमारे डायनेमिक श्री भवानी सिंह देथा जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और सहयोग से, और साथ ही हमारे संयुक्त शासन सचिव राजेश चौहान साहब, मनीष गुप्ता जी संयुक्त सचिव, इन सभी के सहयोग से निदेशालय के
अधिकारी और श्री कमलेश जी, तकनीकी शिक्षा विभाग शासन सचिवालय के सेक्शन के श्री मुकेश शर्मा जी, इन सबकी मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि हमने वर्ष 2010 से लेके 2017 तक की तमाम डीपीसीया आयोजित करवा दी। कुछ साथियों की सीएस भी हमने करवाई है। कुछ और जो हमारे बकाया प्रकरण है, मैं वर्तमान निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि उनको आप तत्परता से लेंगे और सकारात्मक रूप से प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे तो हम आशा है जल्दी इनको भी पूरा करेंगे। अभियांत्रिक महाविद्यालयों के हमारे जो शिक्षक साथीगण है उनकी भी कुछ समस्याएं जो बाकी रहेगी उनको भी हम पूरा करेंगे प्रयास। आप सब ने राज्य सरकार के हर आह्वान को, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे अभियांत्रिकी महाविद्यालय हो, चाहे निदेशालय हो, चाहे प्रायोगिक शिक्षा मंडल, हर आह्वान को आपने बड़ी तत्परता से और पूर्ण निष्ठा के साथ सरकार का सहयोग किया है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव आदरणीय श्री भवानी सिंह देता जी को राजस्थान मिशन 2030 की जिम्मेवारी देकर के हमारी जिम्मेवारी थोड़ी और बढ़ा दी है। इसलिए एक ये आपके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। अभी तक हमारे सभी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों ने इस मिशन 2030 में बहुत ही शानदार कार्य किया है। इसके लिए मैं सभी प्रधानाचार्य, छात्रों और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अब हमारा ये जो मिशन 2030 में जो हमारे स्तर का कार्य है, यानी कॉलेज और निदेशालय स्तर का, वो अंतिम चरण में है, जिसके अंतर्गत आपके फोटो, वीडियो, कटिंग, न्यूज कवरेज सब कुछ अपलोड हो रहे हैं। और अब जो अंतिम काम है, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो बनाना है, उसकी कड़ी, उसको हमें बहुत ही इफेक्टिवली करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें कुछ कुछ बातें जो ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, एज पर इस गाइडेंस। साथियों, हमारे पास चार कैटेगरी में सजेशंस आए हैं। एक कैटेगरी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी गण हैं उनके सजेशन, एक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सजेशंस, एक हमारे जो अन्य स्टेक होल्डर हैं जिसको आप आमजन कह सकते हैं, प्रबुद्ध नागरिक गण कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं, इनके सजेशंस हैं। तीन तो ये हमारे सजेशन जो डायरेक्टली हमें मिले हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के मार्फत से या फिजिकल फॉर्म के मार्फत से। चौथी कैटेगरी है जो हमारी कॉलेजों में हमने बच्चों के लिए जो निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाई है, उनमें जो बच्चों ने अपना व्यू प्रकट किया है, वो चौथा भी हमारा एक तरह से सजेशन का ही पार्ट है। तो अब जो हमारा काम है, जैसे सुबह अंशु सहगल साहब ने एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बना करके डाला था इस ग्रुप में, वैसा मैंने आप सबसे अनुरोध भी किया था, उससे हमें कंपाइलेशन में बहुत आसानी हुई है होगी। तो मेरा अनुरोध है जो बाकी प्राचार्य गण हैं जिन्होंने फीडबैक के मामले में थोड़ा पीछे हैं, वो भी हमारे पास अभी 2 या 3 रोज हैं, वो भी इसको पूरा कर लें ताकि हम आप सभी लोगों का सजेशन राज्य सरकार को दे सके। ये कोई बंदिश नहीं है, आपके सजेशन है। आप एक स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी होने के साथ एक स्वतंत्र नागरिक भी हैं, तो आपकी ये महती जिम्मेदारी है कि आप अपने जितने भी सुझाव हैं सरकार को जरूर प्रेषित करें। कुछ बातें जो ऐसी हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा निदेशक, नए निदेशक महोदय से, कि सर जो हमारे निबंध, भाषण, प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिताएं लोकल स्तर पे हुई है, कॉलेज लेवल पर, इंडिविजुअल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जिला स्तर वाली या संभाग की तो हमारी शायद 11 और 12 को होनी है, उसमें जो भी हमारे विजेता बने हैं आप उनका विवरण प्रत्येक कॉलेज से प्राप्त करें निदेशालय की, जो भी हमारी साइट है शायद mission2030.dto पर। इसी तरह जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य गण है वो भी सुनिश्चित कर लें
कि आप भी उनके विजेताओं के नाम, विजेता प्लस उसका पूरा विवरण यानी ब्रांच ईयर वगैरह वगैरह। दूसरा जो कल हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो हमारा फेस टू फेस सर्वे फॉर्म है उसमें खासकर स्टूडेंट से 5 सजेशन लिए गए थे, तो इनको भी आप जब कंपाइल करें तो ये ध्यान रहे कि एटलीस्ट एक सजेशन तो जरूर उसका इनकॉर्पोरेट हो स्टूडेंट का। ये नहीं कई बार मिक्स रहते हैं तो छोड़ देते हैं कि ये तो आ गया उसमें, उससे बच्चे को भी उत्साह मिलेगा कि उसका ये सजेशन शामिल। इसी तरह जो हमारे कार्मिक हैं चाहे अधिकारी कर्मचारी गण है उनका भी एक अच्छा जो सजेशन उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें। तीसरा जो बताया गया है वो ये कि जो आपके लोकल लेवल पे ऐसे कंपटीशन हुआ है और उसमें जो विजेता या सर्वश्रेष्ठ जो आपने एवलुएट करके छांटा है उसको भी आप निदेशालय भिजवाने का श्रम करें और वो निदेशालय फिर उसको प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा निदेशक महोदय से अनुरोध है कि जो हमारी ये जितनी भी निबंध और भाषण के जो मटेरियल हमारे पास आएगा इसका मूल्यांकन करने के लिए, कॉलेज लेवल पे मूल्यांकन हो गया है उसके बाद राज्य स्तर पर करने के लिए हमें 2 वरिष्ठ सदस्य या 4 वरिष्ठ सदस्यों की एक कमेटी जयपुर में बनानी है जिसमें हम प्रधानाचार्य खेतान पॉलिटेक्निक, प्रधानाचार्य गांधीनगर महिला पॉलिटेक्निक गांधीनगर को ले सकते हैं और वो अपने साथ एक एक वरिष्ठ हमारे शिक्षक साथी को ले सकते हैं। वो इसका मूल्यांकन करेंगे और उनके लिए 11 तारीख को शिक्षा संकुल आयुक्तालय में संगीत कला संस्थान में 4 बजे एक राज्य स्तरीय कार्यशाला या बैठक रखी गई है हायर एजुकेशन के साथ। तो मेरा अनुरोध है कि आप हमारी ये जो टीम बना रहे हैं एवोल्यूशन टीम, इनको निर्देशित कर दें कि वो 4 बजे शिक्षा संकुल में पहुंच जाए, क्योंकि 4 बजे आप और हम माननीय मंत्री महोदय की मीटिंग से जुड़ेंगे। आप तो व्यक्तिगत रूप से आप और हम जुड़ेंगे और बाकी प्राचार्य गण गूगल यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो जो हमारी मुख्य गतिविधियां हैं एक बार निदेशालय की टीम और खासकर राकेशा जी जिनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, इस मिशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। आप राकेशा जी ये थोड़ा देख लेंगे, अभी भी डेली पोर्टल पे जो भी चीज है हमारी मेन गतिविधि उनको अपलोड किया जाना अभी भी सुनिश्चित रखना है आपको, और जो 8 दिनांक तक कार्रवाई हो चुकी है कृपया एक बार देख लें कि वो अपलोड है या नहीं। और इसके लिए आप जो स्टेट पोर्टल है इसमें खेतान पॉलिटेक्निक से मिस्टर अंकित बादू एडमिन है राज्य स्तर के, आप थोड़ा उनसे टाई अप कर लें कि हमारा ये अपलोडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा पहले हमारा जो विचार था कि हम सारे जो जिलों के नोडल अधिकारी हैं हमारे जो प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उनको एक कार्यशाला के लिए जयपुर बुलाना चाह रहे थे, लेकिन समय का इतना अभाव होने के कारण ये किया जाना अब संभव नहीं लग रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी राज्य स्तर की मूल्यांकन समिति बना रहे हैं निदेशक महोदय उन्हीं को ही हम निर्देशित कर देंगे, तो वो आप कार्य संपा ताकि आप लोग अपने कॉलेज में बची हुई गतिविधि सुचारू रूप से कर सके। जो मुख्य मुख्य जो बातें थी मैंने आपको बता दी है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ तकनीकी शिक्षा विभाग आपसे आशा करूंगा कि जो इतना आपने एक मोमेंटम पिछले 22 अगस्त से लेके आज तक बनाए रखा है इसको अब हमारे जो अंतिम चरण में आ रहा है उसको भी आप पूरा सहयोग देंगे। एक बार पुनः मैं सबसे पहले हमारे नए निदेशक अनिल अग्रवाल जी को अनुरोध करूंगा, इनसे पहले मैं शायद मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं संयुक्त सचिव, एक बार उनसे आप अनुरोध करूंगा कि वो भी आप अपने विचार व्यक्त करें। श्री मनीष गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अनिल अग्रवाल जी को बधाई दूंगा। मेरी आवाज आ रही है प्रधान साहब? हाँ सर आ रही है।
सबसे पहले मैं अनिल अग्रवाल साहब को बधाई दूंगा कि आपने डीपीसी के बाद में एक सेलेक्टेड डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के रूप में आज पदभार ग्रहण किया है और पूरा विभाग इस बात के लिए उम्मीद करेगा कि आपके नेतृत्व में, जैसे प्रधान साहब ने बताया कि पूर्व निदेशकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, विशेष रूप से जो पुरानी डीपीसी स्पेंडिंग थी उलझी हुई थी उनको टेकअप करने में और बहुत सारी योजनाओं को लागू करने में भी पूर्व निदेशकों का योगदान रहा। रिसेंटली आलोक अग्रवाल जी के साथ खूब काम किया हमने, मैं इनका भी एक इनको भी एक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपका बहुत सहयोग मिला शासन को, विशेष रूप से बजट घोषणा को इम्प्लीमेंट करने में मेरा सीधा उनसे वास्ता पड़ा। इसी उम्मीद के साथ अब जो मिशन 2030 है, इस मिशन 2030 की शुरुआत एक तरह से आलोक बंसल जी ने शुरू की और इसको जो अब ऊंचाइयों पर लास्ट में जो ले जाएंगे सुझावों के रूप में वो अनिल अग्रवाल साहब लेके जाएंगे। आप सभी लोग इस स्कीम से वाकिफ हैं, चारों तरफ न्यूज़पेपर्स में एवरीवेयर इस सारी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है, आप सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में जैसे समराइज किया था प्रधान साहब ने कि जो सुझाव है हमारे जिसके बेस पर विजन डॉक्यूमेंट बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की राज्य सरकार की ये परिकल्पना है कि आज जो हमारा राजस्थान है वो राजस्थान 2030 में आज जो गति प्राप्त की है उससे 10 गुना गति प्राप्त करेगा और वो डिपेंड करेगा हमारे विजन पर, हमारे विजन डॉक्यूमेंट पर। तो आप सभी स्टेक होल्डर्स जिसमें कर्मचारी, अधिकारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, एलुमनाई, आमजन, विद्यार्थी, एनएसएस के लोग, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, इन सबका एक जो सुझाव आएगा उस सुझाव को हम कंपाइल करने का काम करेंगे और उस कंपाइलेशन में एक एक्टिविटी तो हायर एजुकेशन के साथ में कल शिक्षा संकुल में जैसे प्रधान साहब ने बताया 4 बजे रखी गई है, उसमें कुछ चुनिंदा विभाग के अधिकारी वहां पहुंचेंगे क्योंकि साइमल्टेनियसली 4 बजे माननीय मंत्री महोदय की एक वीसी भी है जिसको कि हमें सक्सेसफुल बनाना है, अधिकतम उससे लोगों को जोड़ना है। विजन डॉक्यूमेंट का टास्क हमारे पास 2-3 दिन का है, हम स्टेट लेवल पे भी आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को हम ऐसा बना के देंगे राज्य सरकार के सामने जिससे कि 2030 में जब इस पर कोई काम करना शुरू हो तो हमारे जो गैप्स हैं, बहुत सारे गैप्स हैं हम सभी लोग जानते हैं, बस उनको एक बार लिखित रूप में तैयार करना है बस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बच्चों का एनरोलमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, टीचर्स का जो है वो अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें इसमें जब आप लोग इसमें संकलित करेंगे तो ये सारी चीजें इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मैं इतना ही आप लोगों को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। बटान सर एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? यस, नाउ वी कैन गो सर। हाँ, धन्यवाद मनीष गुप्ता जी। इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कुछ पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य गण से प्रशांत अपन सुझाव ले लें आगे इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए। तो सबसे पहले जोधपुर पॉलिटेक्निक से श्री अंशु सहगल साहब से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में आज तक की गतिविधि और आगे के लिए आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। श्री अंशु सहगल जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। अभी हमने 2030 मिशन के अंदर जो हमें पिछले दिनों में जो अचीवमेंट्स किए हैं उसमें यह है कि हितकारकों की संख्या हमारी लगभग 325 है और एनसीसी के छात्रों द्वारा 200 लोगों का सैनिटाइजेशन किया गया और संस्था स्तर पर 647 लोगों का सैनिटाइजेशन किया गया जिसमें सारे स्टाफ और स्टूडेंट शामिल थे। निबंध प्रतियोगिता संस्थान स्तर की हो गई है, जिला स्तर की कल होगी और विद्यार्थियों द्वारा फेस टू फेस 1182 लोगों का सर्वे किया गया है और संस्था के कर्मियों द्वारा लगभग 91 लोगों का जो है वेबसाइट पर सुझाव दिए गए हैं। हमने इन सब सुझावों का जो है अभी तक जो है मोटा मोटा संकलन कर लिया है, बाकी जो है कल एक बार फाइनल गतिविधि के बाद हम 12 तारीख को करेंगे। जिसमें कुछ मुख्य सुझाव ये है कि एक तो ये सर जो डिसेबल्ड लोग हैं पूरे राजस्थान में
मैं हमारा सुझाव है कि एक आईटीआई पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज मिलाकर के जो 40% से ज्यादा डिसेबल डेफ एंड डम और ब्लाइंड बच्चे हैं इनका एक तकनीकी संस्थान अलग से बनना चाहिए और उनके जो संबंधित जो कोर्स हैं वो चलने चाहिए। अभी एक बच्ची पॉलिटेक्निक की बच्ची डेफ एंड डम बच्ची इतिहास में पहली बार एक बच्ची ने पॉलिटेक्निक किया बड़ी मुश्किल से, लेकिन उसने एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया है और उसके अंदर हाईकोर्ट के जस्टिस साहब का वो 5% का प्रावधान मिलता भी है लेकिन पूरा लागू नहीं हुआ तकनीकी शिक्षा में। तो हमारा एक ऐसा सुझाव है कि ऐसा कॉलेज इनके लिए अलग से बनना चाहिए। दूसरा इसको भी आप सुझाव में शामिल करें, बहुत अच्छा सुझाव है। पहला शामिल किया सर, बहुत अच्छा सुझाव है ये। दूसरा सर एक बहुत बड़ा सुझाव है मेरा कि हम जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का तो रेशियो है, अभी जो बेरोजगारी की समस्या बेरोजगारी नहीं है सर, पॉलिटेक्निक में बहुत स्कोप है, कंपनियों को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ है कि जो पॉलिटेक्निक के बच्चों की जगह इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हालांकि वो फिट नहीं बैठते हैं, किसी कोई भी कंपनी मान रही है कि फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो रेशियो होना चाहिए सर, जैसे हमने एक उदाहरण दिया है कि एक बिल्डिंग बनाते हैं तो एक आर्चिटेक्ट 10 बिल्डिंगें संभाल सकता है, एक सुपरवाइजर 1 बिल्डिंग संभाल सकता है और एक बिल्डिंग बनाने में 60 तरह की एजेंसी चाहिए आईटीआई होल्डर, तो 1:10:60 का रेशियो होना चाहिए। अभी क्या हो गया कि जो 60 वाला रेशियो आईटीआई वाला वो तो बिल्कुल 60 का है, खूब आईटीआई होल्डर बनाए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बराबर है। ये बराबर होने से ये हो रहा है कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे निकलते हैं उनके लिए तो रोजगार कम है, तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज का रोजगार कम है तो पॉलिटेक्निक में घुसते हैं, इसलिए काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक वालों को लेते हैं, इंजीनियरिंग वालों को लेते हैं। तो सर ये जो है जो बहुत बड़ा अन्याय है और मैं समझता हूँ कि ऐसी डिमांड भी नहीं, कोई भी प्राइवेट बड़ी से बड़ी कंपनी भी पॉलिटेक्निक की जगह इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को नहीं ले रही है, लेकिन मजबूरी हो रही है क्योंकि बच्चे पॉलिटेक्निक के नहीं निकल रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो फिर उनको जो है आपस में मिक्स किया जा रहा है। तो थोड़ा इस तरफ भी हमको इस रेशियो पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा हमें शॉर्ट में दो मुख्य सुझाव थे सर, बाकी काफी सारे सुझाव है जो हमने लिखित में कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ऐसा दुनिया की जो तमाम जो टॉप टेक्निकल कॉलेजेस हैं वो पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज हैं, हांगकांग का है और भी है, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान में एक पॉलिटिक्स का सुझाव बना कि बहुत पहले हुआ था, एक पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी बननी जिसमें आईटीआई से लेकर पीएचडी तक एक ही कॉलेज में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि संसाधनों का सबसे बेस्ट उपयोग इसमें हो सके। तो अब कंपलसरी कर दें कि हर डिपार्टमेंट कॉलेज का हर कॉलेज का हर डिपार्टमेंट एनबीए के होना चाहिए, इवन इवन गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज है उनके वो भी एनबीए के होने चाहिए, तभी उनको मान्यता मिले। क्योंकि जो अभी जयपुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है गवर्नमेंट का, उसकी परिकल्पना हमने यही की थी जी, लेकिन एफडी एग्री नहीं हुआ और वो सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज बनके रह गया, उसकी परिकल्पना यही की थी माननीय मंत्री महोदय ने। अच्छा सुझाव है आपका ये, लेकिन इसके अंदर इसमें जो एक चीज कहूंगा सर, इतना टिपिकल नहीं है। अभी जैसे आपने फंड दिए हैं तो डिपार्टमेंट एकदम शानदार बन जाए 2030 के हिसाब से, तो एनबीए भी ले लेंगे और बच्चों को थोड़ा सिलेबस का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है वैसे तो, लेकिन फिर भी अब 2030 के हिसाब से हमें मॉडिफाइड सिलेबस करने चाहिए। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे स्टाफ पॉलिटेक्निक स्टाफ को अभी तक जो है जो हायर एजुकेशन के लिए जो है QIP नहीं मिला है, तो ये एक सबकी डिमांड है कि भाई QIP तो देना चाहिए, अपने जेब से पैसा खर्च करके बच्चे लोग पढ़ते हैं। साहब थोड़ा टाइम का ध्यान रखें प्लीज। मतलब मैंने तो बाकी तो सारे सुझाव है सारे, हाँ वो आप रिटर्न में दे दीजिए कोई दिक्कत, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया। मेरे को आपके दो सुझाव बहुत बढ़िया लगे हैं, जिस तरह दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी चालू हुई है और आप तो जोधपुर के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर के हैं, घोषणा करवा डालो यार ये तो आप ही। दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में शुरू हुई है। हाँ वो भी टेक्निकल, उसमें एक आइडिया ये आ सकता है कि टेक्निकल कोर्स चाल दीजिए, टेक्निकल कोर्सेज अलग से बढ़ना तो मुश्किल। अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर की प्राचार्य डॉक्टर रेखा मेहरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अब संक्षिप्त में अपने सुझाव भी आप दे चुके हैं, कुछ हटके चीज हो तो वो शेयर करें। डॉक्टर रेखा मेरा। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी को निदेशक पद के चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। सर आवाज आ रही है ना? मैडम वीडियो नहीं आ रहा है, आवाज आ रही है मैडम, वीडियो करें आप चालू। हम लोगों ने सभी अपनी टाइम टू टाइम एक्टिविटी कराई हैं, वो सभी मेल पर ग्रुप में शेयर कर दी है, उसमें मोटा मोटा सुझाव जो हमारे उसमें आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की भागीदारी
चाह रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम BOS में सब जगह, जैसे सिलेबस एक तो रिवाइज होना जरूरी है, और उसमें BOS में सब जगह अगर इंडस्ट्री पर्सन को डिप्यूट करें, और फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग भी हम इंडस्ट्री में ही करें, जो अभी तक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनको पाबंद करके फैकल्टी की ट्रेनिंग हम इंडस्ट्री लेवल पर ही करें अगर, तो उसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा आएगा। वो एक सुझाव हमारे यहाँ कॉलेज से भी गया था। दूसरा, कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि कॉलेजेस बहुत बहुत पुराने हो गए हैं, जैसे हमारा कॉलेज ही 27 साल पुराना है, और उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी वजह से एडमिशन भी सफर करता है, कि हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा, ऑडिटोरियम की सुविधा, ये चीजें सुविधाएं नहीं हो पाई हैं, जिनके की हम सरकार से गुजारिश करूंगी। हालांकि बाकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है सरकार की तरफ से, टाइम टू टाइम हर तरह का सपोर्ट मिलता रहता है, और अपने तकनीकी शिक्षा विभाग से भी पूरा सपोर्ट और सजेशन रहता है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी कर रखी है पहले भी ये हॉस्टल और इसके लिए, तो ये मैं चाहूंगी। और एक अगर पॉसिबल हो तो सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों को अगर अपन और इनमें एक अम्ब्रेला के नीचे ले लें, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी हो सके। अभी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने के कारण उनके अलग अलग वो चलते हैं, सिलेबस अलग चलते हैं, प्लस फिर उनका कॉम्पिटिशन जो होता है वो एक स्टेट लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थैंक यू सर। मैडम थैंक यू, आपके अच्छे सुझाव है, अनुरोध करूंगा। डॉक्टर श्री राजेश शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राचार्य कोटा। राजेश शर्मा जी नमस्कार। सर नमस्कार, क्या मेरी आवाज और वीडियो नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है शर्मा जी। सर सर्वप्रथम मैं नव पदस्थापित निदेशक महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य सम्माननीय प्रतिभागियों को सादर नमन करता हूँ। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से जो निर्देश विभाग द्वारा दिए गए थे, हमने स्टेक होल्डर से सजेशंस लिए, और मैं उनको ब्रीफ में ही बोलूंगा जो हमारे सैगल साहब कह चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा वो रिपीट ना हो। सबसे पहला हमारे स्टेक होल्डर्स द्वारा कहा गया कि एडमिशन प्रोसेस में कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, सिलेबस रिव्यू की बात उठी, क्योंकि सिलेबस में कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जिनके लिए जो प्री रिक्विजिट होना चाहिए वो आगे पीछे हो रहा है, यानी जो पहले पढ़ाया जाना चाहिए वो बाद में पढ़ाया जा रहा है, बाद वाला पहले पढ़ाया जा रहा है, ऐसा भी ध्यान में लाया गया। ये भी ध्यान में लाया गया कि पूरे राजस्थान में एक यूनिफॉर्म का कोई यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा, ये कहा गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, छात्रों की सुरक्षा यदि इस तरह से हम सुनिश्चित कर सकें तो ये छात्रों की अपेक्षा है। रिटायर्ड पर्सन्स का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके, इसमें दुविधा ये आ रही है कि यदि किसी पद पर सैलरी उठ रही होती है तो उस पद के विरुद्ध विद्या संबल योजना में भी किसी को रख नहीं पाते हैं, तो ये आग्रह है कि यदि सैलरी उठ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की सेवाएं यहां पर मिल रही है। ऐसे कई केसेस होते हैं कि व्यक्ति की सेवाएं नहीं मिल रही होती है और वेतन उठा होता है, इसलिए उसके विरुद्ध विद्या संबल योजना में पदस्थापन हम नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवाएं नहीं ले पाते हैं, तो आग्रह है कि इस पर यदि ध्यान जा सके तो बेहतर होगा। एक और विषय है कि संस्था के रखरखाव के लिए केवल PWD को ही अधिकृत किया हुआ है। हमें जो भी बजट दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि PWD से संपर्क करें व्यक्तिगत रूप से और उनसे आग्रह करें डी शेड्यूल वगैरह बनाने का, तो उनसे आग्रह करते हैं, वो तखमीना बनाते हैं, बहुत पर्याप्त समय लेते हैं उसके अंदर, और उसमें उनके द्वारा लगभग 15-20% का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है जो कि हमें बहुत महंगा पड़ता है। यदि किसी भी तरह से संभव हो सके कि हम तकनीकी संस्थान है, हमारे यहाँ ऐसा विभाग हो संस्थान में या संभागीय स्तर पर कम से कम, जिसके द्वारा हम हमारे विभागों की देखरेख स्वयं कर सके, तो प्रति कार्य हम लगभग 15-20% पैसा बचा सकते हैं, और हमें निवेदन भी नहीं करना होगा, हमारे स्तर पर उपलब्ध तकनीकी संसाधनों से हम हमारे भवन का रखरखाव कर पाएंगे। सभी जगहों से आए स्टेक होल्डर्स के द्वारा यह भी कहा गया कि राजस्थान में सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को समान रूप से देखा जाना चाहिए। ऐसे पॉलिटेक्निक्स भी हैं जहां स्टाफ मेंबर्स कम हैं या उनको सुविधाएं कम हैं, मिनिस्ट्रल स्टाफ कम है, उनकी ये मांग है कि हमारे यहाँ भी उसी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए जिस तरह की किसी डिविजनल हेडक्वार्टर पर होती है। एक बात सभी के द्वारा कही गई है सर, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है कि डिप्लोमा कॉलेज को किसी भी तरह से डिग्री लेवल पर कन्वर्ट किया जाए।
क्योंकि वर्तमान में हो यह रहा है कि छात्र डिप्लोमा में एडमिशन लेता है लेकिन उसे चिंता रहती है कि वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, इसलिए एडमिशन लेने के साथ साथ वो अपने आप को किसी न किसी डिग्री कॉलेज से भी एसोसिएट कर लेता है। और इसका कारण जो उसका ध्यान टेक्निकल एजुकेशन पर होना चाहिए वो डाइवर्ट होता है, और इस वजह से न तो वो डिग्री साइड की एजुकेशन मुझे लगता है पूरी ढंग से ले पाता है और न ही टेक्निकल एजुकेशन पर पूरा ध्यान दे पाता है। थैंक यू राजेश जी, प्लीज थोड़ा सा अभी बाकी लोग भी शेयर करेंगे, आपके सजेशन मैंने पढ़ भी लिए हैं, बहुत अच्छे आए थे। और मैंने लिखित भी सजेशन दे रखे हैं, मेरा ऑडियो भी मैंने डाला हुआ है, तो आप सभी की अवलोकन मिल गया, मुझे मिल गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर से डॉक्टर संगीता सक्सेना, संक्षिप्त में आप अपना रखें, नहीं है तो मैं संगीता जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज आ रही सर। सबसे पहले तो महिला पॉलिटेक्निक बीकानेर के समस्त स्टाफ की तरफ से मैं निदेशक महोदय को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और सभी को ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सदस्यों का मेरा नमस्कार। सर मैं संक्षेप में ही कुछ सजेशन जो मेरे पास में आए हुए उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी, जिसमें कि स्टाफ और स्टूडेंट के कुछ कॉमन सजेशंस भी हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले सर यहाँ पर स्टूडेंट और स्टाफ सभी की डिमांड है कि यहाँ पर डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किए जाए नॉन इंजीनियरिंग में, और साथ ही इनको एडमिशन देने की जो प्रक्रिया हो इतनी सहज हो कि आराम से स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए, जिसमें कि टेंथ पास जो स्टूडेंट आती हैं उनको टेंथ डिप्लोमा के पश्चात ग्रेजुएशन में लैटरल डिग्री का एडमिशन का प्रावधान किया जाए और उनको इक्विवेलेंट टू 12th की डिग्री की मान्यता दी जाए। सेकंड सर ये है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको वरीयता के आधार पर कुछ स्कॉलरशिप की योजनाएं प्रोवाइड की जाए, जैसे कि लैपटॉप है स्कूटी योजना, इससे छात्राओं का मोटिवेशन बढ़ेगा। सेकंड सर चीज ये है कि यहाँ पर कुछ वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं स्कूल एजुकेशन में, बहुतों की डिमांड ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ वैकेंसीज यहाँ पर क्रिएट किए जाएं, जिससे कि महिला पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा स्टूडेंट्स उनको बेनिफिट्स मिल सके। जस्ट लाइक एज अ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, वोकेशनल कोर्सेज जो स्कूलों में चलते हैं उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे अच्छी तरीके से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और साथ ही सर कुछ जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी अपने प्रमोशंस की कुछ डिमांड आई है उनके अंतर्गत, और स्टूडेंट के लिए सर डिग्री कोर्सेज के साथ साथ ऐसे कोर्सेज भी हो जिससे कि उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी वो जनरेट कर सके। तो इस तरीके से सर कुछ ऐसे सुझाव हैं कि जो कॉमन है स्टूडेंट के भी हैं और स्टाफ के हैं, इनको किया जाना सर बहुत ही आवश्यक है। और सर एक रिक्वेस्ट, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू, सभी को मौका देना है, आपके अच्छे सजेशन है। एक मिनट मैडम, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाह देता हूँ कि हम लोग केवल हमारा तकनीकी शिक्षा पे हो रहा है, आपको कोई दूसरे विभागों से कोऑपरेशन लेते हुए कोई ऐसे सजेशन भी आप जरूर देवे कि एग्रीकल्चर से है, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे सामुदायिक सेवा से, हमें वो भी इनकॉर्पोरेशन करना जिससे टेक्निकल एजुकेशन का उनके साथ कोलैबोरेशन हो जाए। खैर ठीक है, थैंक यू आपने दिए। अब मैं पठान सर, जैसे इन्होंने एक बात अच्छी कही है कि बच्चियों के लिए जैसे स्कूटी की योजना है, लैपटॉप की है, हाँ बिल्कुल, रूप से ये दें इसको, इससे क्या होगा कि हमारे जो पॉलिटेक्निक में या इंजीनियरिंग में जो बच्चियां पढ़ रही है उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और स्कीम का से उसकी कोहेरेंसी भी होगी। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया आपने, पहले भी था, इसको आप शामिल करें अपने सुझावों में। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर से डॉक्टर रवि गुप्ता, अगर रवि गुप्ता जी नहीं है तो डॉक्टर धीरेंद्र शर्मा MLVT भीलवाड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हमने खाली सेक्टर से भी जोड़ने का प्रावधान। हाँ मैं बोलू, मैं बोलिए बोलिए। हाँ सर गुड आफ्टरनून, हमारे यहाँ पे लगभग 400 स्टाफ और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया जा चुका है, ऐसे कंपटीशन करवाया जा चुका है, स्पीच में लगभग 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए हैं, इसके अलावा लगभग 96 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, तो जो भी एक्टिविटीज वगैरह की गई थी उसमें मोटा मोटा कुछ जो निकल के आया है, हालांकि सभी वो जो हैं स्कैन करके उसमें ग्रुप में प्रिंसिपल वाले हम भेज दिए गए हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है और जो लोग यहाँ पे हैं उनसे रिलेटेड एक तो इश्यूज में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो पहले भी मैंने प्लेटफॉर्म पे उठाया है
कि हम डी वोकेशनल को तो लीप में एडमिशन दे रहे हैं और हमारे ही यहाँ के पॉलिटेक्निक में पढ़ाए हुए नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को टेक्सटाइल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं। ये कि गलत है, बच्चों के साथ भी अन्याय होता है, हमें स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, उन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, और वही स्टूडेंट वहां पंजाब में जाके इंजीनियरिंग में AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं। प्रोसेस बताइए क्या करें हम इसके लिए। केवल आपके इसमें जो लीप की जो एडमिशन कमेटी है जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है वो करें, अभी ये एलिजिबल है ऑलरेडी पंजाब में, अभी तो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो एडमिशन दे रहे हैं और हम भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक तो पॉइंट ये था सर। दूसरा, अभी पॉलिटेक्निक में विद्या संबल लागू हो चुकी है लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अभी भी विद्या संबल लागू नहीं हुई है, तो मेरा निवेदन है कि अभी भी हमें 25,000-29,000 पे गेस्ट फैकल्टी रखने पड़ रहे हैं जबकि एक पॉलिटेक्निक में विद्या संबल लागू है, ये यहाँ हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी लागू की जानी चाहिए। एक पॉइंट ये था सर, अभी क्या है फाइनल ईयर में जो इंजीनियरिंग में है जो RTU में दो दो थ्योरी क्लासेज होती हैं, मतलब 7th सेमेस्टर में भी दो हैं, 8th सेमेस्टर में भी दो हैं, वो चारों एक सेमेस्टर में करके 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर दी जाए तो उससे हमारा पूरे बच्चे एक तरह से इंडस्ट्री में भी काम करेंगे और उसके बाद वही इंडस्ट्री उनको अब्जॉर्ब कर लेगी जो कि मतलब इमीडिएटली और किया जा सकता है। उसके अलावा जो दिया है फैकल्टी, सब जगह एक्यूट शॉर्टेज है, अगर ठीक है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें काफी इतना फाइनेंस भी नहीं रहता है, हमें दिक्कत आती है, अगर हम AI पावर्ड रोबोट्स ले लें तो आज की डेट में काफी हद तक, हालांकि उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं लेकिन जो एक्यूट शॉर्टेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अंडर सर्विलेंस ऑफ अपने जो एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो कुछ हद तक इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी सजेशन हम पढ़ लेंगे, आप भेजोगे उनको कर लेंगे। थैंक यू। नीमराणा पॉलिटेक्निक अर्चना शर्मा जी, संक्षिप्त में जरा रखें अपना। मैडम अर्चना शर्मा नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अर्चना मेहरा प्रिंसिपल JPC निमराना बोल रही हूँ। सबसे पहले तो हमारे निदेशक महोदय के पदभार ग्रहण करने पर परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सर जो हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान मिशन के अंतर्गत सारी गतिविधियां समय पर करवा के उनकी रिपोर्ट समय पर भेज दी गई और जो कंपाइल्ड भी था वो भी मैंने ग्रुप पे अभी डाल दी है। तो मैं सजेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके बिल्कुल संक्षिप्त में लेना चाहूंगी कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं वो एक्चुअली एक तरह की प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं जो डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब उनके लिए जॉब जो है वो इंडस्ट्रीज देती हैं और गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर्स देते हैं। तो अगर हम तकनीकी शिक्षा विभाग का विकास चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रीज के विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर में कोऑर्डिनेशन हो, उनके अंतर्गत एक हायर लेवल पे MOU साइन हो जिसके अंतर्गत वो जो CSR यूज करते हैं वो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए यूज करें उनकी डिमांड के अनुसार, और उनके लिए जो जो कोर्सेज भी खोले जाएं पॉलिटेक्निक में वो राजस्थान में क्या क्या इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है और कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके अकॉर्डिंग खोले जाएं और इंडस्ट्रीज हमें हमारे स्टाफ को और बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो ये अगर कोऑर्डिनेशन होगा इंडस्ट्रीज और कॉलेजेस में तो डेफिनेटली अपना तकनीकी शिक्षा विभाग मैं कहूंगी राज्य का नंबर वन विभाग बनेगा। सेकेंड चीज सर कि हमें एंट्री बिहेवियर पे वर्क करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अगर बच्चे का मैथ्स और साइंस स्ट्रांग नहीं होगा तो इंजीनियरिंग करने में मुश्किल आएगी और ड्रॉप आउट बढ़ेंगे। तो एक बार इस पे हमें कार्य करना या तो एंट्री बिहेवियर पर या फिर हमें सिलेबस में किस तरह से एडिशन करना है कि वो उनको जो मैथ्स और साइंस का फोबिया दूर हो जाए और वो इंजीनियरिंग अच्छे से कर पाए। सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी पठान सर को और मनीष गुप्ता सर का कि उन्होंने शुरुआत में ये आश्वासन दिलाया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग काफी समय से बहुत गैप को दूर करने के कार्य कर रहा है और वो आगे भी आश्वासन दिला रहे हैं
डायरेक्टर साहब को भी उन्होंने यही अनुरोध किया है। सर मैं इसमें यही थैंक यू मैडम, थैंक यू आपके सजेशन तो और आपका काम तो झलकता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन पॉलिटेक्निक। इसी एक सेंटेंस कह के पूरा करना चाहूंगी कि सर जो आप लोग काम कर रहे हैं चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चाहे कैश को लेकर है, उसमें जो अंतिम हितधारक है छोटी जगह के भी हैं वो भी रह ना जाए इस पे थोड़ा सा वर्क करने की आवश्यकता है सर। नहीं रहेंगे मैडम, थैंक यू। अब मैं हमारे जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रतिनिधि, मैं नाम भूल गया अभी, उन्होंने परिचय दिया था, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना विचार व्यक्त करें, प्राइवेट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रतिनिधि। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर मनविजय सिंह फ्रॉम लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट अलवर। हाँ मनप्रीत बोलिए सर। सर गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट टू गिव नॉट मोर सजेशंस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन नंबर ऑफ सजेशंस एंड मोस्ट ऑफ दी सजेशंस आई थिंक they are appropriate, but being the private institution, we have some grassroots level problems that are related to the scholarships, enrollment ratio. Sir, आप अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो भी ऑन करें। वन मिनट सर। हेलो सर, being private institution, we people are facing a problem in enrollment ratio and regarding the some scholarship released by the departments. So our basic request to the department is to streamline all these things. One of the issues that has been suggestion given by the Madam Behra is that India industries and institutions should come together. That is only can be done by you people only. That cannot be handled by the institution or the industry alone. Because of the government, they can come together. One of the my personal suggestion is, this is the occasion of Rajasthan to 2030, and we all people are getting the suggestions. The departments are asking the suggestions. At least we should make some type of the forum so that all the principals, all the head of the institutions should meet at least once in a 6 months so that we can discuss our problems and solutions and suggestions so that it can be a betterment for technical education at the end. Sir, I wish all the best for my friend and my known Anil Agarwal sir for being director, and we will work under his guidance. Thank you Manvijay Singh ji, thank you, aapke suggestion mujhe bahut acha laga hai ki हमारा प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज्यादा टाई अप नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हर काम में हम आपका सहयोग नहीं ले पाते, इस ये बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब मैं डॉक्टर मनोज कुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य, संक्षिप्त में कुड़ी साहब अपना वचन। सर अनम्यूट करें मनोज सर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मनोज जी मैं आवाज आ रही है सर? हाँ सर, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक या दो बातें ही कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो जैसे अभी कहा गया था, कई जगह इंटर्नशिप है 8 semester में बच्चों के लिए, फुल फ्लेज इंटर्नशिप instead of having one or two subjects, हमें उनके लिए इंटर्नशिप का ही प्रोविजन करना चाहिए, कई जगह है मैंने भी देखा है। और सर जो अदर देन टेक्निकल एजुकेशन, मैं दो ही बातें रखना चाहता हूँ। एक तो जो फीडबैक आए हैं उससे, जैसे हमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए ट्राई करना चाहिए कॉलेजेस में, जो लोकल इंडस्ट्री उसके नीड के हिसाब से। अगर मैं बीकानेर की बात करूँ, मैंने कई जगह देखा है, विजिट किया है सोलर इंडस्ट्रीज को, जो सोलर प्लांट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, पर टेक्निकल मैन पावर इट्स फ्रॉम आउटसाइड, आउट ऑफ राजस्थान। तो अगर कुछ ऐसा हो, हम अपने जगह ज्यादा लंबा चौड़ा सेटअप की जरूरत नहीं, बट विल पावर इज रिक्वायर्ड, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन सोलर, या बीकानेर के लिए बात करें तो सिरेमिक इंडस्ट्रीज के लिए अगर हम कुछ यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस कर पाए, तो इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन दोनों साथ साथ चलते हुए हमारे स्टूडेंट्स के लिए जॉब रेडी हो जाएंगे, दे विल बी स्किल्ड, और उनको टेक्निकल मैन पावर जिस लेवल की रिक्वायर्ड वो मिल जाएगी।
इस टाइप के अगर कुछ सेटअप हो जाए। सेकंड, मैंने एग्रीकल्चर से कुछ फीडबैक आए थे तो उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बात की थी, बोला आपके एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग चल रही है तो एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं तो बोला उनको मेडिसिनल प्लांट के लिए भी ले जाइए। और एक इसमें साथ सर ऐड करना चाहता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन हर जगह टिंकरिंग लैब या फिर जो भी माइंड लैब है वो ओपन करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करें, सहयोग दें। हमारे बच्चे दे आर गुड एट सिमुलेशन, व्हेन इट कम्स टू द हार्डवेयर वो सब कुछ भूल चुके हैं। हमने एक इनिशिएशन लिया था, हम 3-4 साल से लगे हुए थे और उस इनिशिएशन ने हमें ये पुट किया, हमें वापस रिवर्ट बैक दिया कि हम जो आपके NIRF इनोवेशन रैंकिंग है राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों में से, अगर स्टेट गवर्नमेंट में से हम ही थे विदाउट वेरी मच रिसोर्सेज। हमने बहुत कम रिसोर्सेज में भी 11 से 50 तक अपने को NIRF रैंकिंग में प्रूव किया। तो उस टाइप का अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा गुड फैकल्टी इज वेरी गुड, तो उसके हिसाब से अगर हम चाहते हैं तो हम हमारे टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक लास्ट सजेशन सर, जो टीचर इन एक्सीलेंस जो शुरू किया है TIE, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। अगर इस टाइप के प्रोग्राम कंटिन्यू चलते रहेंगे तो हमारी जो फैकल्टी है वो इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रैक्ट करेगी एंड दे विल लर्न कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इस टाइप के अगर प्रोग्राम सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए, सारे सजेशन बहुत अच्छे आए हैं और हटके भी है। मैं नरेश शर्मा जी बीकानेर पॉलिटेक्निक, शॉर्ट में जरा करें, मुझे 2-3 और लोगों को जोड़ना है। नरेश शर्मा जी नमस्कार सभी को, और सबसे पहले समस्त हमारे पॉलिटेक्निक परिवार की तरफ से हमारे नवनियुक्त निदेशक महोदय श्री अनिल कुमार जी अग्रवाल को बधाई देते हैं। मेरे सजेशंस बहुत सारे तो अभी लोगों ने बता दिए बाकी मेरे साथियों ने, पर कुछ सजेशन है जो स्पेशली कुछ हमारे पॉलिटेक्निक के लिए कुछ वैसे है। एक तो लाइब्रेरी की पोस्ट ज्यादातर पॉलिटेक्निक में खाली पड़ी है, और लाइब्रेरी चूंकि हार्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और उसका हार्ट ही अगर खराब हो रहा हो तो डेवलपमेंट मेरे हिसाब से होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइब्रेरी की पोस्ट बहुत जरूरी है। तो कृपया इसको भरवाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो प्लीज करिएगा। और दूसरा, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्कोप हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और हमारे संभाग स्तर के पॉलिटेक्निक्स में कहीं भी कंप्यूटर ब्रांच नहीं है, और बहुत ज्यादा डिमांड है इस सब्जेक्ट की। तो मेरा हमारा सब स्टाफ मेंबर्स का भी सजेशन टॉप प्रायोरिटी में था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम से कम संभाग स्तर के सभी पॉलिटेक्निक में शुरू किया जाए, स्पेशली हम बीकानेर की तरफ डिमांड कर ही रहे। दूसरा, हमारे बच्चों के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि जो डिप्लोमा होल्डर हमारा इलेक्ट्रिकल का था उसको पहले JEE की पोस्ट पे एंट्री मिलती थी, वो जितनी हमारी विद्युत उत्पादन कंपनियां हैं, विद्युत वितरण कंपनियां हैं, तो उसमें वापस उस चीज को चालू किया जाए ताकि हमारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट ले सकें। क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में JEE की पोस्ट निकलती है तो वहाँ डिप्लोमा होल्डर ही मांगा जाता है, चाहे CPWD हो, चाहे रेलवे हो, चाहे मेट्रो, सब जगह। पर हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान गवर्नमेंट में ऐसा किया गया कि डिप्लोमा होल्डर के साथ में बहुत ही एक गलत व्यवहार किया गया है कि उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ गई इलेक्ट्रिकल में। तो एक मेरे शर्मा जी थैंक यू, आपके सजेशन बाकी भेजे हैं, देख रहे हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा और कर रहे, लैब में भी थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेटर की पोस्ट को वापस से इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट को, तो हमारे प्रैक्टिकल वर्क है वो सॉलिड हो जाएगा। और एक लैब थोड़ा ज्यादा समय के लिए खुलवाने का भी कुछ हो जाए ना, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा, तो बच्चों का रिसर्च वर्क हो सकता है। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कोई प्रिंसिपल साहिबान जुड़े हो, बांसवाड़ा डूंगरपुर से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के। हाँ, डूंगरपुर से BP चौहान निवेदन कर रहा हूँ सर। हमारे जो वैसे तो सजेशन सारे भेज दिए हैं, लेकिन मैं कुछ एक दो सजेशन में निवेदन करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले तो क्या कि जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें स्टाफ की बहुत जरूरी होती है, और स्टाफ यहाँ पे आप जानते हैं कि 55 के अगेंस्ट में मात्र 15 टोटल मिला के मेरे समेत 15 ही कार्यरत हैं। और 2-3 जो है मैं आपको बताना चाहूंगा सर। एक तो कॉलेज में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दूसरा, संस्थान में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए निदेशालय में लिखा हुआ उसका कोई भी जवाब नहीं आया। डिप्लोमा कोर्सेज के राजकीय सेवाओं के लिए योग्यता में शामिल किए जाए, जो कि भी पूर्व में भाई महोदय ने बताया था। और स्थानांतरण पॉलिसी स्टाफ की बनाई जाए। और दूसरा, संस्थान में पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड किया जाए। पुराने कंप्यूटर जो है बहुत ही उस तरह के, वो चलते भी नहीं है। और सभी प्रवक्ताओं को लैपटॉप दिया जाए, और अंतिम वर्ष के छात्रों को जो प्रोजेक्ट के लिए विशेष राशि आवंटित की जाए, जिससे कि वो ट्राइबल बेल्ट में जो है छात्र अपने प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद चौहान साहब, बहुत अच्छे सजेशन आपके। बाड़मेर जैसलमेर से कोई भी हमारे प्रिंसिपल साहिबान इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक जुड़े हैं तो बाड़मेर जैसलमेर। हेलो,
हाँ पवार साहब बोलिए। पवार साहब नमस्कार सबको। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पार्ट में महाविद्यालय परिवार की तरफ से नवनियुक्त साहब को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो पूरा करो और जो भी टाइमलाइन थी उसके अनुसार हमने सब एक्टिविटीज महाविद्यालय स्तर पर आयोजित करवा दी है और जिला स्तर के लिए जो प्रायोजित है वो कल से हो जाएगी। काफी कुछ सजेशन मिल चुका है सर। मेरा एक ही सजेशन है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी क्या जो वित्तीय स्वीकृति है ना वो लिमिट बहुत कम है, 30,000 के करीब है, उसको 3,00,000 की जाए ताकि हम लीज लाइन ले सके और महाविद्यालय को वाईफाई बनाए और जो लाइब्रेरी उसको भी जोड़ सके तो बच्चों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू पवार साहब, बिल्कुल सही है, आपकी ये डिमांड जल्दी पूरी करवाएंगे। इसके अलावा जालौर पाली सिरोही से कोई भी प्राचार्यगण जुड़े हैं? जालौर पाली सिरोही चित्तौड़ से। हेलो नमस्कार सर। हाँ परिचय दीजिए अपना। पॉलिटेक्निक सिरोही से सर राजेश सर। हमारा सुझाव ये है कि जो जो हमारा स्टाफ यहाँ पॉलिटेक्निक सिरोही में कार्यरत है और हायर एजुकेशन एमटेक और पीएचडी करना चाहता है लेकिन रिमोट एरिया में व्यवस्थित स्थित होने के कारण और हमारे हायर एजुकेशन में ऐसा पॉलिसी में कोई स्कोप नहीं है और हमारे सिरोही में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ से वो पीएचडी कर सकता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पॉलिसी में कोई ऐसा सुधार हो और टाइप 3 वगैरह जोड़ा जाए, ऑनलाइन का ऐसा कोई और प्रावधान जोड़ा जाए जिससे रिमोट एरिया में स्थित जो स्टाफ है वो भी पीएचडी और एमटेक कर सके। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सजेशन है, पूरा प्रयास करेंगे अगले वर्ष वित्तीय वर्ष से आपको ये सुविधा मिलेगी। सर जेपीसी जालौर से। हाँ बोलिए जालौर। सर सुझाव मैंने भिजवा दिया। पहले एक बोल रहे एक बोल रहे निवेदन था कि सर मेरा एक ही निवेदन था कि पूरे कॉलेज में सर मेरे सही 2 स्टाफ कार्यरत है, ना कोई मेडिकल स्टाफ है ना कोई प्योन और ना ही कोई फैकल्टी वगैरह है। ये लगभग 1 साल से सर बड़ी मुश्किल से सर चला पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल नर्वस इसके लिए सर कुछ प्रयास। आपका ये प्रयास है, आपका सुझाव है बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे। जी सर थैंक यू। हाँ बाबूलाल देपन जी। हाँ सर मेरा सुझाव ये है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि लगभग जो बड़े पॉलिटेक्निक्स है वहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच खोली जानी चाहिए मांग के अनुसार। जो डिप्लोमा होने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो रिजर्व की जाती है, यानी कि जूनियर इंजीनियर या उसके समकक्ष जो भी पद है वो सिर्फ डिप्लोमा लेवल के से ही भरे जाने चाहिए। ठीक है देपन साहब, थैंक यू वेरी मच। हनुमानगढ़ गंगानगर से जो प्रिंसिपल साहिबान जुड़े हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर। सभी को नमस्कार। अभी जो नरेश जी की बात है उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि पॉलिटेक्निक के विकास में एक ही कदम से काफी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अधिकांश सरकारी विभागों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर के कैडर को डाइंग कैडर बना दिया था और ये पिछले 15-20 सालों से नए रिक्रूटमेंट नहीं होने से उन विभागों की हालत भी खराब है, ये भी एक सत्य बात है। हम 12 तारीख को यहाँ विभिन्न सरकारी विभागों के अभियंताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे और उनकी ये राय जानेंगे कि अगर उनके विभाग में डिप्लोमा होल्डर के रिक्रूटमेंट की पॉसिबिलिटीज अगर दोबारा शुरू होती है तो उनके विभाग पर क्या असर होगा। अगर वो ये बात हमारे फेवर की बना देते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा शिक्षा में भी मदद मिल जाएगी। एडमिशन के बारे में भी कुछ सुझाव हैं, कुछ दूसरे सुझाव हैं, वो हम रिटर्न में आपको आगे भेज देंगे। थैंक यू आनंद जी, बहुत अच्छा है। थोड़ा पॉलिटिकल मोटिवेशन भी करें, पॉलिटिकल मोटिवेशन करें कि डिप्लोमा स्टूडेंट को सरकारी नौकरी में बढ़ाएं। सर आप वाला काम हमसे करवा रहे हो। हाँ इसके अलावा हमारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज के कोई और प्रतिनिधि हो अपने विचार व्यक्त करें। ललित मोहन LM जी हाँ मेहता
मेहता साहब उदयपुर से। सर नमस्कार, आपने मौका दिया इसलिए धन्यवाद। मैं दो ही बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि विद्या भवन राजस्थान का एक तरह से सबसे पुराना पॉलिटेक्निक है और पूरी तरह से समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल कोर्सेज भी हैं। रबर टेक्नोलॉजी में है राजस्थान का पहला पोस्ट डिप्लोमा और मैकेट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के सारे पॉलिटेक्निक्स को इसमें मदद मिले, तो आप हमें मदद करें कि जो हमारे पॉलिटेक्निक्स के विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए और फैकल्टी भी इन दोनों जगह है, रबर टेक्नोलॉजी के कोर्स में और मैकेट्रॉनिक्स में, हम ये अपनी तरफ से सर्विस आप सबको देना चाहते हैं। दूसरा सर, ये इतना पुराना पॉलिटेक्निक है तो हम चाहते हैं कि आपका भी आशीर्वाद इस पॉलिटेक्निक पर रहे, क्योंकि सरकार हमें एक सामान्य श्रेणी में मानती है जबकि हमें लगता है कि हम वो ठीक हैं। तो आपका मतलब सरकार का हम चाहते हैं कि विशेष विशेष हमारे प्रति ध्यान रहे। और तीसरा ये कि जो पॉलिटिक जो भी कई लोगों ने भी कहा है कि अगर इंडस्ट्री में इंडस्ट्री को जब परमिशन मिलती है उनके साथ जब भी शर्तें बनती है कम से कम एक एड ऑन कोर्स पॉलिटेक्निक के अंदर इंडस्ट्री चलाए। जैसे मान लीजिए उदयपुर के अंदर कोई इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ज्यादा है या बांसवाड़ा डूंगरपुर में टेक्सटाइल बेस्ड ज्यादा है तो कम से कम एक कोर्स एड ऑन वो चलाए। उस चलाने में फैकल्टी और ट्रेनिंग दोनों काम वो करे तो कम से कम उनके लिए बच्चे सीधे तैयार हो जाएंगे और हमारे सारे बच्चों को भी एक लेटेस्ट इंडस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। आपको बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। थैंक यू मेहता जी, थैंक यू। पठान साहब माइक अनम्यूट। राजुल गोयल मैडम संक्षिप्त में। यस सर। सर अनिल अग्रवाल सर को बधाई देते हुए और आपको और मनीष गुप्ता जी और सभी शासन सचिवालय से सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना सजेशन संक्षिप्त में दे। सर जैसे कि लीप में आईआईटी में भी अगर लीप के लिए एडमिशन का प्रोसेस किया जाए, सुविधा करी जाए, तो ये हमारे बच्चों की तरफ से सजेशन था। आईआईटी में भी लीप में सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए प्रोसेस में रखा जाए हमारे डिप्लोमा के बच्चों को। और राजस्थान में कोई एक या दो सिटीज ऐसे इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएं ताकि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसमें कि राजस्थान के सभी बच्चों का डाटा हो, पास आउट बच्चों का, ताकि एम्प्लॉयमेंट के लिए सुविधाजनक हो जाए। और डिप्लोमा का कुछ जैसे आईआईटी को एक पेपर सॉरी आईटीआई एक पेपर देके 12th के इक्वलेंट हो जाता है, उसी तरह से डिप्लोमा के बच्चों को भी अगर कुछ पेपर देके ग्रेजुएशन के इक्वलेंट कर दिया जाए तो हमारे एडमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड थिंग, एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाए क्योंकि सारे बच्चे कहीं कंज्यूम हो चुके होते हैं अपना एडमिशन प्रोसेस लेट होने के कारण। और एक जो हमारे स्टाफ की तरफ से सजेशन है कि एचआरए पूरे राजस्थान में सुविधा कर दिया जाए ताकि लोग रिमोट एरिया में जाने से डरे नहीं। थैंक यू मैडम, आपका वैसे ही सजेशन भी अच्छे होते हैं, आपका काम भी बहुत अच्छा चलता रहता है, इसलिए आपको चिंता न करें। अब मैं डायरेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा। सर एक सजेशन मैं भी देना चाहूंगा। हाँ सर, परिचय देना अपना। ललित मोहन जी कहाँ से आप? ललित मोहन गुप्ता फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर। वेरी गुड, बोलिए सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कोई कॉलेज स्टार्ट करते हैं हम लोग तो आप स्टूडेंट कॉलेज की पूरी बिल्डिंग एक साथ बना देते हैं, जबकि स्टार्टिंग में केवल 5-7 कमरे और 2-4 लेबोरेटरी की चाहिए होती है। और बिल्डिंग बनाने के साथ हम लैब डेवलपमेंट नहीं करते या फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं करते। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट बिल्डिंग एक साथ बनाने की जगह आपने 5-7 कमरे और 5-7 लैब बनाई और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और हॉस्टल ब्लॉक और फैकल्टी रिक्रूटमेंट साथ साथ हो जाए तो हमारे कम कॉस्टिंग में काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो भी अभी सर मैं एक प्रॉब्लम से फेस आउट हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग लगे थे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अदर कॉलेजों में भी, तो जो एम्पैनल कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनका पीएफ वगैरह जमा नहीं कराते, तो ये इंश्योर किया जाए कि उनका पीएफ जमा हो। एक तो वैसे ही वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, उसमें भी उनके साथ दगाबाजी हो जाए, धोखेबाजी हो जाए तो बहुत गड़बड़ होती है। तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इंश्योर करे कि उनका पीएफ यदि वो उसने जमा नहीं कराया है तो वो कंपनसेशन मिले उन्हें और उसको बिहाइंड द बार भेजा जाए कॉन्ट्रैक्टर को और उसकी असेट्स को सेल आउट करके वो पैसा यूज किया जाए। अलग हटके हैं, बहुत अच्छा है, आपने बढ़िया सजेशन दिए हैं, खासकर जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वाले, ये तो सरकार लेवल पे आसानी से हो जाएंगे। राजेश पायलट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा से अशोक शर्मा जी संक्षिप्त में जरा। सर प्रथम मैं अनिल अग्रवाल जी को मेरी ओर से संस्था की ओर से नए निदेशक पद पे पद ग्रहण की
बधाई देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे सजेशन है। सबसे पहले सजेशन आप बहुत एक्टिव प्रिंसिपल है, बताने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में एक दो बात। सबसे पहला सजेशन ये है कि राजस्थान सरकार में दिव्यांगों को तकनीकी शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया 2020 तक जोधपुर अजमेर पॉलिटेक्निक में 20-20 सीटों पर जारी थी। इससे दिव्यांगों को बहुत भला होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिव्यांगों के प्रति बहुत संवेदनशील है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे डिप्लोमा होल्डर्स को, जो कि हम ही इनको नियुक्ति दे सकते हैं, हमारा तकनीक शिक्षा विभाग ही दे सकता है, जितने भी प्रयोगशाला है, जितने भी लैब है, इनमें पास निकाल के निदेशालय स्तर पर इनको जो रोजगार दिए जाए। इसके अतिरिक्त मेरा ये कहना है कि जितने भी पद खाली है उनके अतिरिक्त, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स का पद नहीं है। पिछले 2-3 साल से जब से हम इत्यादि गए हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए शिक्षा संबंध में लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ कहना है, या तो हमें परमिशन दी जाए या फिर हमें परमानेंट कोई व्यवस्था इस तरह की दी जाए, या तो किसी ब्रांच से किसी व्यक्ति विशेष को लगाने के लिए, या फिर किसी भी इस तरह की व्यवस्था हो जो कि सुदृढ़ हो, सुचारू चलती रहे। धन्यवाद शर्मा जी बहुत। इसके अतिरिक्त एक सुझाव और है, मैंने MNIT में स्टार्टअप का विजिट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टार्टअप की प्रक्रिया जो है पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी चले और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज राजस्थान में मॉडल पॉलिटेक्निक के रूप में विकसित हो, जिससे राज्य की जो भी हमारी कार्य प्रणाली है वो हम पूरे हिंदुस्तान में दिखा सके। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरे राज्यों के एक्सपीरियंस को भी हम शेयर करें और हमारे जो शिक्षक हैं विभिन्न जो राज्य स्तरीय पॉलिटेक्निक है या इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें भी शेयर करने के लिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कम से कम विदेश में नहीं तो राज्यों में तो भिजवाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा है शर्मा जी थोड़ा आपके दोनों सजेशन बाकी इनोवेटिव। एक तो इंटर स्टेट इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलिटेक्निक टीचर, पॉलिटेक्निक सर अभी अपन नए निदेशक महोदय से वार्ता कर ले, बाकी आप भिजवा दीजिएगा। थैंक यू। और बाकी जो भी साथी है, हाँ मोती संक्षिप्त में बोल दीजिए। हाँ सर जल्दी बोल दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मेरे दो ही लाइनों में सुझाव है सर। स्टाफ ने तो जो अपनी हायर एजुकेशन पॉलिसी है उसमें टाइप 3 को इन्वॉल्व करने के लिए बोला है, और बाहर से पधारे बैंक के कर्मचारी, बैंक के ब्रांच मैनेजर आए थे, उन्होंने कहा कि ग्रामीण लेवल पे जो बैंकें हैं उनसे अपने स्टूडेंट्स को जोड़कर लोनिंग की सुविधा अपने डिपार्टमेंट को प्राथमिकता देते हुए करवानी चाहिए, जिससे बच्चों को गाँव में भी रोजगार मिल सके, लोनिंग से वो रोजगार कर सके। ये दोनों सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है, आप इसमें खुद पहल कीजिए, ग्रामीण बैंक से संपर्क किया है सर बड़ौदा ग्रामीण बैंक के, और प्रशासनिक विभाग से आप क्या अपेक्षा रखते हैं वो जरूर बताएं हमें। थैंक यू। मैंने लिखा है सर उसमें, बैंक मैनेजर ने जो बताया है उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं डिपार्टमेंट से कि वो सीधे उनसे जुड़ सके और पेंशन भी उनके थ्रू मिल जाए गाँव के गाँव में अपने रिटायर्ड पर्सन को, तो ये भी एक बड़ा काम होगा। थैंक यू मोतीलाल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, देखो हमारे लिस्ट बहुत लंबी है और सभी का उत्साह ये बता रहा है कि हम सब लोग इस मिशन 2030 में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी दे रहे हैं। जो साथी मेरे बोल नहीं पाए मैं उनकी भावनाओं को समझ चुका हूं और उनके जो सजेशन आए उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। मैं अब चाहूंगा कि निदेशालय के अधिकारीगण अपना कोई व्यूज रखना चाहे तो ठीक है, अन्यथा फिर निदेशक अनिल अग्रवाल जी। कैरी ऑन अग्रवाल सर, आवाज थोड़ी धीरे है सर आपकी। राजीव सर यस सर, हेलो यस सर, मैं कुछ दिन तो मैं रखना चाहता हूँ। सैगल साहब ने जैसा बताया था कि विश्वविद्यालय बनाए जाए, मेरा ये सजेशन था कि हर संभाग में कम से कम जो है हर संभाग में तकनीकी शिक्षा का विश्वविद्यालय बने, जिसमें ITI से लेकर PhD के अलावा सारी तरह की तकनीकी शिक्षाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि छात्रों को भटकना न पड़े।
नंबर एक। नंबर दो मेरा यह पक्ष था कि अभी स्टार्टअप का टाइम है तो सभी जगह पर यहाँ तक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में स्टार्टअप के लिए जो है छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। जायसवाल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो आ रही है सर, जल्दी कीजिए सर प्लीज। हेलो आवाज आ रही है? यस सर हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि अभी स्टार्टअप का टाइम है और टाइम के हिसाब से हमको जो परिवर्तित होना चाहिए, हमें अपनी समस्याएं नहीं बतानी है। हमें सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज को कम से कम दो या तीन इंडस्ट्री के साथ में जुड़ना चाहिए, इंडस्ट्री का सहयोग लेना चाहिए, उनके साथ आदान प्रदान बना रहना चाहिए, वो हमारे पास आए हम उनके पास जाए और 2030 तक हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें किसी के पास ना जाना पड़े और लोग हमारे पास आए, हम अपने को ऐसा बनाए। तो इसके लिए जो है बीटीआर के अधिकारी अपना विचार जल्दी व्यक्त कर दे। लास्ट बीटीआर प्लीज। रंजू मैडम नहीं है क्या? रंजू मैडम रंजू मैडम नहीं है। एक सजेशन और था मेरा जो राज्य स्तर का है कि राज्य में अजमेर और बाड़मेर भीलवाड़ा अलवर और कोटा इन जिलों में पहले औद्योगिक नगर माने जाते थे, इनको पुनः जो है औद्योगिक जिले जो है घोषित हो जाए जिससे कि जो है राज्य में औद्योगिकरण बढ़े और अपने छात्र वगैरह सारे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है राज्यअंदर ही जो है अपने लोग। बंसल साहब आप दो मिनट के लिए प्लीज आप भी कहे। आलोक बंसल जी नमस्कार सर, और सबसे पहले तो अग्रवाल साहब को बहुत बहुत बधाई, अदा ग्रहण किया। जितने भी समस्त प्रिंसिपल और जितना भी प्रशासनिक तो हैं सभी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी और आगे सभी कॉलेज से उम्मीद करता हूँ जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया इसी तरह से अग्रवाल साहब को भी सपोर्ट देंगे और प्रशासन विभाग का हमेशा मिलता ही है, उसका कोई उम्र नहीं है और हम सभी ये कोशिश करेंगे कि 2020 के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस आती है हम बना पाते हैं। थैंक यू बंसल साहब। अब मैं अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कंक्लूडिंग अपना समिशन रखें। प्रधान साहब, अनिश गुप्ता जी, हमारे सभी प्रिंसिपल्स, पीटी और पीटीआर के अधिकारी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा। आप सबने मुझे इस योग्य समझा, राज्य सरकार ने इस पद पर काम करने की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी। आज मिशन 2030 की इस बैठक में सभी के अपने अपने विचार परिचय पे आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम दरअसल अपने घर में ही इतने परेशान हैं कि 2030 तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से सारे कॉलेजों की विशेषकर गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट वालों की कुछ अपनी आवाज नहीं आ रही सर, उन प्रॉब्लम्स को तो अपन अपने लेवल पे निपटा लेंगे, प्रॉब्लम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो सॉर्ट आउट हो भी जाएंगी, कुछ कई प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी। अभी फिलहाल जो सीएम साहब का विजन है कि मिशन 2030 के तहत हम अपने स्टेट की टेक्निकल एजुकेशन के रूप में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, इस पर बहुत गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है। हम सब ने ज्ञान परामर्श केंद्र कॉलेज लेवल पे भी किए हैं, जिला लेवल पे भी किए हैं और उन परामर्श केंद्रों के तहत परामर्श सुझावों के तहत एकदम अपने कॉन्क्रीट सुझाव, बिल्कुल अपना कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली इस पर हो कि हम 2030 में तकनीकी शिक्षा के रूप में अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, अपने बालकों को हम कहां ले जाना चाहते हैं, इस टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस रूप में हम देखना चाहते हैं जिससे ये हमारे स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल पर, जैसे सीएम साहब ने कहा है कि हम एक मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं पूरे देश में, और उस मॉडल स्टेट बनाने में निश्चित रूप से टेक्निकल एजुकेशन की बहुत अहम भूमिका हो सकती है। तो मेरा तो पुनः आप सब से ये अनुरोध है कि आप मिशन 2030 के रूप में दोबारा अच्छे से गहन विचार विमर्श करें और एक एक दो दो कुछ ऐसे सुझाव दें
जिन्हें हमें लॉन्ग टर्म में पूरा करना है। अभी जो सब आपके सुझाव हैं, ये अपने ज्यादातर सबकी अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टेक्निकल एजुकेशन की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये तो धीरे धीरे समाधान हो ही जाएंगी, इनमें कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है, समाधान होता भी रहता है इनका। पर इस दोबारा से अपन सारा विजन एक एक दो दो कॉन्क्रीट सुझाव डिटेल सुझाव आप सब दे रहे हैं, जैसे कि प्रधान साहब रोज उसकी डिटेल आपसे पूछवा रहे हैं, तो अपने अपने कॉलेज से हम एक दोबारा आज परफॉर्मा सारा आपको डाल देंगे, उसमें अपना डेटाबेस पूरा का पूरा, विशेष रूप से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेरा अनुरोध है जो आज नहीं जुड़ पाए हैं उनसे भी कि थोड़ा सा राज्य सरकार से मिशन 2030 में सहयोग करें, और जो फेस टू फेस सर्वे का काम है, गहन परामर्श का काम है, इसमें अधिक से अधिक अपने सारे स्टूडेंट्स की भागीदारी सुनिश्चित करके उनसे सुझाव देके अधिक से अधिक इस मिशन को सक्सेस बनाएं, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट बनने वाला है उस पूरे डॉक्यूमेंट में तकनीकी शिक्षा के पेज को सब एक बार तो कम से कम देखें कि हाँ इस मिशन 2030 में जो तकनीकी शिक्षा का पेज है ये वाकई इसमें मेहनत की गई है। थैंक यू। धन्यवाद अनिल अग्रवाल जी। लास्ट में मैं ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारा अपडेशन का काम है, विशेषकर जो हमारा फेसबुक फेस टू फेस सर्वे है, उसको आप थोड़ा करें। और एक प्रशांत आपसे अनुरोध है कि आज की इस वेबिनार में जितनी भी कॉलेजेज और उन्होंने कितने पार्टिसिपेंट ने, उनका एक मुश्त डाटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कॉलेजेस प्लस टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये आप मुझे प्रिंसिपल ग्रुप के थ्रू जरूर भिजवा दें। एक बार पुनः सभी प्रिंसिपल साहिबान, स्टाफ मेंबर्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज प्रिंसिपल साहिबान, स्टाफ मेंबर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधिगण, VPRI के अनिल मेहता साहब और सभी मेरे निदेशालय के अधिकारीगण, आप सबको एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करते हैं हम, मैं और मनीष गुप्ता जी ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, कि आप बचे हुए जो मिशन 2030 के दिन है इसमें आप हमें पूरा अपनी भागीदारी देंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्रशांत कंक्लूड करें। कल मंत्री महोदय है कुंता की छोटे का हमारा शाम को शिक्षा के संस्थान आपको प्रिंसिपल ग्रुप के माध्यम से ईमेल के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। पठान सर कुछ कहना चाहते हैं? प्रशांत, मैं एक सभी प्रिंसिपल साहिबान से अनुरोध है कि कल जो 4 बजे माननीय मंत्री महोदय बैठक ले रहे हैं आप सभी की, प्रिंसिपल्स की ऑनलाइन, उसमें जो व्यवस्था की है, जरा थोड़ा उनके बारे में आप प्रशांत अवगत करा दें, किस तरह से जुड़ना है और कैसे उनको गूगल यूट्यूब लाइव से भी जुड़ना है। सबसे पहले जैसे आज हमारा लगभग हमने पूरा फॉरम बना के रखा, किसी को फोर्सफुली आज मैंने यही ट्राई किया, हमारे दीदी झालावाड़ से मैडम का भी ये निर्देश था, राजू मैडम का, कि आज हम फोर्सफुली लोगों को दूर नहीं करें, और ये अगर फोर्सफुली हम ही अगर मैक्सिमम करें नेकोरम तो हमारी जो इवेंट है बड़ी सक्सेसफुल रहती है, सभी लोगों को मौका मिलता है, कम समय में फ्रूटफुल हम जा सकते हैं। तो कल भी हम प्रयास यही करेंगे, अदरवाइज क्योंकि कल मंत्री महोदय की मीटिंग में होंगे तो हमें हो सकता है फोर्सफुली आपको क्या मीटिंग करना पड़े। तो अगर आपको बीच में कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू आ रहा हो तो आप मैसेज से कर सकते हैं, किसी दूसरे डिवाइस से पूछ सकते हैं, और साथ में ये कार्यक्रम में अमर चले विवाद चले उसके साथ में हमने पैरेलल जो उसका यूट्यूब का वीडियो है 20 सेकंड का डिले है, कोई मेजर इशू नहीं है, तो आप अगर कोई ऐसी समस्या हो तो आप यूट्यूब से भी हमारे साथ में देख सकते हैं। तो लगभग 500 लोगों का हमारे पास में जो फैसिलिटी है जूम के अंदर जो हमने ले रखी है,
उसमें एक प्रिंसिपल ही जुड़े हैं और उसमें जैसा आज देख रहे हैं मैक्सिमम लोग उसी तरह से जुड़े हैं, सभी लोग उसमें एक पक्ष में ऐसी व्यवस्था की गई है हार्डवेयर इंटरनेट की और उससे जुड़े हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट और तरीके से जुड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से व्यक्ति हमें जुड़ना है, उसके अतिरिक्त जो हमारे विद्यार्थी बन रहे अधिकार जो हमारे जो अगर आपको अपने सजेशन देते हो आप चेक करें, यदि आपको कहा जाए कि आपको बोलना है इन प्रिंसिपल संस्थान को तभी आपको, और विद्यार्थी गण उनको अधिकाधिक है वो खुद की बातें हमें साथ में जोड़ना है, तो और अगर जो होंगी वो आप समय कम आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के हैं उनके माध्यम से आपको तो समय की सूचना पेश कर दीजिए। राजू मैडम कहना चाहें साथ में एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आज किसी ने कहा था ना बीच में कि प्रधान सर की आवाज आ रही है, कोई भी बीच में नहीं बोले प्लीज, जो भी मैसेज किसी को भी नहीं आ रहा क्योंकि ये केवल होस्ट ही बोले, नहीं तो वो बीच में अगर मंत्री जी के बीच में अगर कोई बोलता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी को आवाज नहीं भी आ रही है तो प्लीज चैट के माध्यम से बता दें, ये हम होस्ट देख लेंगे कि किसी की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज आप बीच में मीटिंग के बीच में जब मंत्री जी का स्पीच चल रही हो तो कोई और ना बोले पार्टिसिपेंट, ये थोड़ा ध्यान रखें इसको। और हम 3 बजे से लॉगिन हो जाएंगे, अगर किसी को भी ट्रायल करना हो तो हम 3 बजे से सबके लिए उपलब्ध रहेंगे ट्रायल के लिए। और प्लीज ईमेल आईडी जरूर भेज दें आपके, तो हम ईमेल आईडी से सबको परमिट कर देंगे। मनीष गुप्ता सर बोलना चाह रहे हैं, प्रशांत जी। अच्छा जी सर, सर अनम्यूट करें प्लीज। ये कहना चाह रहा हूँ, आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मंत्री जी की मीटिंग जो होगी उस मीटिंग में प्रधान साहब ने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया होगा कि 5-6 लोग जो हैं वो एक साथ स्क्रीन पर रहेंगे, पांच या छह लोग मंत्री जी के साथ स्क्रीन पर रहेंगे और उसमें एक कल जैसे प्रधान साहब को सेक्रेटरी साहब ने जो निर्देश दिए हैं उसमें एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसमें एक या दो कुछ फिल्में हैं जिनको शेयर किया जाए जो कि उस मिनट टू मिनट प्रोग्राम में चलाई जाएंगी, वो डिस्कस हो गया है प्रधान साहब? हाँ सर, ये मैं भूल गया बताना, जिसमें एक तो जो हमारा प्रशांत वीडियो चलेगा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन 2030 का 6 मिनट का, और उससे पहले 2 मिनट का स्वतंत्रता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संदेश था वो चलेगा, उसके बाद माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन होगा, उसके अलावा माननीय तो हमारे जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं आयशर ट्रैक्टर और हैवल्स कंपनी के HR लेवल के ऊपर के अधिकारी उनसे इंट्रैक्शन होगा, और फिर उसके बाद में विभाग की प्रस्तुतिकरण किया जाएगा मनीष गुप्ता जी के द्वारा, और अंत में माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय का उद्बोधन होगा। तो ये लाइनअप थोड़ा आप देख लें कि उसको भी हमें मिनट टू मिनट आपको मैं भेज दूंगा, उसी हिसाब से उसको चलना। सर वीडियोस अगर पहले से उपलब्ध हो जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है सर, इसको एक बार थोड़ा सा इसको अगर पॉसिबल हो जाए तो अपन एक या तो कल सुबह या एक रात को एक बार इसका रिहर्सल करके देख लें, या 2-2.5 बजे कर सकते हैं कल दिन में। 2 बजे रख लेंगे। हाँ, दिन में 2 बजे रख लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे पास ये सूचना है कि मंत्री जी सीधे भरतपुर से आएंगे, मंत्री जी कल भरतपुर है, वो सीधे शासन सचिवालय से उनको अपन जोड़ेंगे 4 बजे। नहीं बेटर है सर, एक ट्राई कर लें पहले, 2 बजे अपन रिहर्सल कर लें। तो 2 बजे एक बार कौन सा जो है वो सीएम साहब का जो है उसको प्लस स्वतंत्रता दिवस पर जो एक मिशन 2030 को लेके सीएम साहब ने जो कहा है उसकी वीडियो जो है उनको एक बार अपन चला के देख लेंगे, तो 10-15 मिनट की रिहर्सल से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कल 2 बजे सर क्या? आज 2 बजे ऑर्डर कल 2 बजे
हाँ कल 2 बजे ठीक है सर, ठीक है एक डिजिटल कॉलेज के हैं सर उनकी अगर ईमेल आईडी मिल जाए तो क्या है कि ऑथेंटिकेटेड लोग ही जुड़ेंगे तो हम ईमेल आईडी को वैलिड कर देंगे, जैसे डिप्लोमा की तो हमने मांग ली डायरेक्टरेट से ईमेल आईडी, ये अभी आपको भेज दूंगा मैडम सबके मेल आईडी, ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद दे दें आप सबको, थैंक यू सो मच सर सभी को जुड़ने के लिए, और सबने बहुत अच्छे डिसिप्लिन से रखा इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें ये कार्य करने के लिए मौका दिया, इसके लिए भी आपको पठान सर को, मनीष गुप्ता सर को और डायरेक्टरेट को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रशांत जी लीव हो गए थे, प्रशांत जी 1 मिनट ऑन हो जाए, प्रशांत जी अपन इसको एक बार ट्रायल कर लेंगे, पहले एक बार और ट्रायल कर लेंगे फिर उसके बाद कल कर लेंगे, मेरे पास वीडियो आते ही मैं आपको भेजूंगी, और कल या तो 11 बजे 10 बजे अपन इसको एक बार ट्रायल कर लेंगे। मैडम इसका आईडेंटिटी जो वीडियो है ना वो मालूम, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रशांत जी, मैं कह रहा हूँ की आई रजिस्ट्रेशन वीडियो लेना होगा, वीडियो क्वालिटी है हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए ताकि वो प्ले होने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, अदरवाइज अगर व्हाट्सएप से जैसा कह रहे थे पठान साहब तो उसमें क्वालिटी मेल कर देंगे, हाँ मेल कर दें या यूट्यूब पे लिंक हो कोई तो उसको दे दें तो वहां से डाउनलोड।